आइए सब लोग का आइए सबका हो जाएगा। अब फिर खड़ा हो तो खींच में अब फिर खीर ला लो बाहर। अरे वो पकड़ ले सब लोग। आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। आज मैं बेलागंज प्रखंड के कुछ ही 6 से 7 किलोमीटर के अंदर में सिंघौल गांव में मौजूद हूं और यहां के भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यहां दो ऐसे मैम हैं जो आज यहां ग्रामीण के बीच में जल बचाने की जो बातचीत चल रही है संपर्क किया गया है इनसे। जल ही जीवन है इस मुद्दे पर सारे तमाम यहाँ लोग जो मौजूद रहे उनसे जल बचाने का जो जिस तरीका का जल में जो किसी प्रकार का जो तत्व फैल रहा है अशुद्धियाँ हैं उसके बारे में बारीकी से इन्होंने जांच बताए लोगों को कि किस प्रकार से जल बचानी चाहिए और जल में अगर किस तत्व का अगर बढ़ जाता है तो वो इंसान के शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकता है, तो तमाम जानकारियाँ इन्होंने दी और यहाँ तमाम मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप मैम नाम बताएंगे, क्या नाम होगा? मेरा नाम सोनम है, मैं वैज्ञानिक हूँ केंद्रीय भूमि जल बोर्ड मध्य पूर्वी क्षेत्र पटना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ये बताएं मैम कि अभी जो जल बचाने की प्रक्रिया जो बता रही हैं आप कि आप जल में किस प्रकार का तत्व घुल रहा है वो इंसान को शरीर को साइड इफेक्ट करेगा उसके बारे में बताएं। जो हमारे पास अभी जो पीने का पानी है जमीन के नीचे का पानी उसके बारे में हमारा जो विभाग है वो स्टडी करता है और उस अकॉर्डिंग हम लोग ये बताते हैं कि कितना जल हमारे पास है, क्या उसकी क्वालिटी है और किस तरह से वो हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे रिचार्ज की बातें करते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग अपना वाटर लेवल ऊपर कर सकते हैं और हमारे यहाँ केमिकल टेस्ट भी होता है वाटर का और क्या क्या हार्मफुल जो भी कंटामिनेंट्स वाटर में है उसके बारे में बताते हैं और किस तरह से हम लोग इससे निजात पा सकते हैं वो हम लोग ये एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सारे जिला में हमें एक जनसंपर्क कार्यक्रम करना है उसके लिए हम लोग इस जगह आए हैं बेलागंज। तो इन्होंने बताई कि जिस प्रकार से जल बचाने की बात है, जल बचाए जल ही जीवन है, इसी प्रकार से इन्होंने सारे तत्व के बारे में भी बताए और प्रत्येक जिला पूरे बिहार की प्रत्येक जिला में इन्होंने अपना पब्लिक से संपर्क करने के लिए इन्होंने जो अभियान चलाई है और चलाने के बाद जो है पब्लिक जुटते हैं इकट्ठा होते हैं उसके बावजूद जो जल में जो भी तत्व मिली हुई है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ देती हैं। और तमाम इसी जगह एक और साइंटिस्ट मैम है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि मैम जो भी जल को जिस प्रकार से बचाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जल है तो सारे पृथ्वी जो है हरा भरा है, इंसान भी हरा भरा है, तो इसके बारे में क्या कहें किस प्रकार से जल बचानी चाहिए? मैं दिव्या गुजूर हूँ, मैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड MER पटना में कार्य करती हूँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट खाली जल अगस्त की पोस्ट पे अभी कार्य करती हूँ। उसको कहा ना इधर लाके पहले जल की बचाव में स्टेप्स क्या क्या करना चाहिए जिससे हम जल बचा सकते हैं, तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इस प्रमुख से हमें उपयोग में लाना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी जल पर्याप्त मात्रा में। तो इन्होंने बताया कि हमारे आने वाले जो नई पीढ़ियां हैं उनको किस प्रकार से जल जो है अच्छी तरीके से मिले, चूंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, ये हमारे पूरे भारत के जो भी पब्लिक हैं ये सभी मानव का ये कर्म है और सभी मानव का ये धर्म है कि हमें जल बचानी है। जिस तरह आपकी जल की आवश्यकता पड़ती है उतना ही जल का इस्तेमाल करें। इसी के साथ जीत नंदन कुमार, बीआरजे टीवी, गया।